आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है जय तो हम भी नहीं जानते, लेकिन एक ऐसी बूटी होती है जिसे मुंह में रखने के बाद व्यक्ति गायब हो जाता है। कहा जाता है कि आयुर्वेद में भी गायब होने की जड़ियों के बारे में लिखा है। ऐसी ही एक बूटी बनाई जाती है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है। भारत के हिमालयी राज्यों में ऐसी धारणा है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है जिसको मुंह में रखने से व्यक्ति तब तक के लिए अदृश्य हो जाता है जब तक कि उस गोली का असर रहता है। जड़ी बूटी सफ़ेद पलाश से बनती है। पलाश अक्सर पीला और सिंदूरी होता है, लेकिन सफ़ेद पलाश बहुत ही दुर्लभ माना गया है। लोगों का मानना है कि यह चमत्कारी फूल होता है। लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लाकर पूजन कक्ष में स्थापित करते हैं। तंत्र शास्त्र में इस वृक्ष के फूल से जंतर बनाने का प्रयोग बताया गया है जो धनलक्ष्मी के लिए कारगर बताया गया है। जिस किसी के भी घर में सफ़ेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहाँ धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। जिंदगी भर किसी भी प्रकार से धन दौलत आदि की कमी नहीं रहती। दोनों ही पौधों के आयुर्वेदिक और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं।